राम राम भाई, सारा भाइया ने आज रिव्यू कर रहे हैं अपनी शेवरले बीट। टॉप मॉडल है अपनी बीट का, 2016 मॉडल है। और मेन हाईलाइट देख रहे हो, ये देखो वो क्राउंड देख लो आप पहले। ऐसी आपको इसमें हेडलाइट मिलती है, हैलोजन बल्ब देखने को मिलते हैं, बीच में शेवरले का लोगो, ये आपको दो ग्रिल मिलती है, ठीक है जी। नीचे फोग लैंप मिलते हैं कंपनी की तरफ से ही, और जो इंडिकेटर है वो आपको टॉप मॉडल में भी आपको फेंडर में ही देखने को मिलता है, साइड मिरर में नहीं मिलता, ठीक है जी। की से आप अपने खिड़की को अनलॉक कर सकते हो ये, और यहाँ पे पीछे के लिए यहाँ से एंटर होंगे। पीछे की लाइट देख लो, सब आपको बल्ब भी देखने को मिलते हैं। 2016 मॉडल, TCDI की बैचिंग, शेवरले बीट LT। और ये आपका एग्जॉस्ट हो गया, यहाँ एग्जॉस्ट पाइप, ठीक है जी। ये रिफ्लेक्टर हो गए दोनों तरफ, ऊपर आपको रूफ रेल देखने को मिलती है कंपनी की तरफ से ही, ये देखो जी, ठीक है। फ्लिप की आपको इसमें देखने को मिलती है, ये अपना लॉक अनलॉक, और ये बूट अनलॉक का यहाँ बटन मिलता है, ठीक है जी। यहाँ पे अपने शीशे लॉक अनलॉक के, ये अपने बड़े शीशे खोलने के लिए, ठीक है जी। चारों पावर विंडो देखने को मिलती है, ये अपना डोर हैंडल हो गया ब्लैक कलर में, ये आपको मिलता है। और जो साइड मिरर्स हैं वो आपको यहाँ से एडजस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर नॉर्मल आपको एसी के वेंट मिलते हैं, बीच में 4x4 इंडिकेटर, और यहाँ से आप बाहर की और अंदर की हवा कर सकते हैं एसी की। मैनुअल आपको एसी के कंट्रोल्स मिलेंगे, ठीक है जी। बीच में यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिलता है, आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं, दो ग्लास रख सकते हैं। यहाँ पे 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है, ये आपका हैंड ब्रेक यहाँ पर, और बीच में जो आप छोटा मोटा सामान वगैरह रख सकते हो पॉकेट दे रखी है, ठीक है जी। ग्लव बॉक्स की बात करें तो इसमें भी ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है आपको, ज़्यादा तो नहीं है, पर सामान वगैरह कागज़ वगैरह रख सकते हो। अब हम पीछे की तरफ और चेक कर लेते हैं, तो पीछे की तरफ भी आपको जो है पावर विंडो देखने को मिलती है, और डोर ओपनर वही जो आगे रहता है ब्लैक कलर का, सेम देखने को मिलता है। अब पीछे खिड़की में जो आप बोतल होल्डर देखने को नहीं मिलेगा, तो आप नहीं रख पाओगे, ठीक है जी। और जो हेडरेस्ट है वो शायद सीट कवर में ढके हुए हैं, एडजस्टेबल है ये। स्टीयरिंग हो गया, अब मीटर दिखा देता हूँ मैं आपको, अड़सठ हज़ार 848 किलोमीटर चली हुई है। ये अपना RPM मीटर हो गया, ये टाइम दिखा रहे हैं यहाँ पे, 180 की स्पीड देखने को मिलती है। ये देखो लुक इंटीरियर की, ठीक है जी। यहाँ पे सिल्वर पट्टी का इस्तेमाल कर रखा है, ये भी लुक को बढ़ा रहा है। अब भाई हमने इसमें एंड्रॉयड स्टीरियो लगा रखा है, ये देख लो। इसकी कॉस्ट वगैरह बाद में दिखा दूँगा मैं, सारी चीज़ बता दूँगा। यहाँ पर नॉर्मल आपको एसी के वेंट मिलते हैं, बीच में 4x4 इंडिकेटर, और यहाँ से आप बाहर की और अंदर की हवा कर सकते हैं एसी की। मैनुअल आपको एसी के कंट्रोल्स मिलेंगे, ठीक है जी। बीच में यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिलता है, आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं, दो ग्लास रख सकते हैं यहाँ पे। 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है, ये आपका हैंड ब्रेक यहाँ पर, और बीच में जो आप छोटा मोटा सामान वगैरह रख सकते हो पॉकेट दे रखी है, ठीक है जी। ग्लव बॉक्स की बात करें तो इसमें भी ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है आपको, ज़्यादा तो नहीं है, पर सामान वगैरह कागज़ वगैरह रख सकते हो। अब हम पीछे की तरफ और चेक कर लेते हैं, तो पीछे की तरफ भी आपको जो है पावर विंडो देखने को मिलती है, और डोर ओपनर वही जो आगे रहता है ब्लैक कलर का, सेम देखने को मिलता है। अब पीछे खिड़की में जो आप बोतल होल्डर देखने को नहीं मिलेगा,
तो वो आप नहीं रख पाओगे, ठीक है जी। और जो हेडरेस्ट है वो शायद सीट कवर में ढके हुए है, एडजस्टेबल है ये। पीछे बेस ट्यूब दिखा देता हूँ, ये देखो ये अपनी बेस ट्यूब है, देख लेना कौन सी कंपनी है। ये एम्प हो गया V12, ये ब्रेव के दो स्पीकर हैं। अब भाई अपने ये मतलब जो भी साउंड सिस्टम है उसको मिला के ये तो है 30,000 का वूफर भी और एम्प भी, और जो आप एंड्रॉयड स्टीरियो देख रहे हो ये अपना 10,000 का, ठीक है 40,000 हो गए। अब जो है मेन चीज हाइलाइट्स, ये देखो जी अलॉय व्हील, BBS के अलॉय व्हील है, अब इसके टायर साइज की बात करें तो बॉडी से पहले बाहर देख लो कितने बाहर है बॉडी से, देखो जी ये देख रहे हो यहाँ पे टच भी रहते हैं, और जो गाड़ी हमने पीछे से भी आगे से भी लिफ्ट कराई हुई है, इसमें ये नट देखने को मिलते हैं, देख लेते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नट देखने को मिलते हैं। टायर साइज की बात करें तो 205, 60, 14 इंच का अलॉय देखने को मिलता है इस सेगमेंट की गाड़ी में, बीट में शायद ही आपको ये देखने को मिलेंगे। इसके अंदर हमने लेदर सीट कवर लगवा रखे हैं इस टाइप के, देख लो ठीक है जी। और जो सीट है यहाँ से आप नोट करना ये अंदर की तरफ, वो देखो एक मिनट रुको, ये देखो स्प्रिंग दिख रही है अंदर, हाइट एडजस्टेबल सीट है 2016 के टाइम पे, ठीक है जी। अब पीछे की बात करें तो स्पेस चेक करवा देते हैं एक बार आपको, भाई 6 फुट की, तो उस हिसाब से एक बार स्पेस और चेक कर लेते हैं। अब देख लो मैं मतलब सही बैठा हूँ, ठीक है जी कंफर्टेबल। पीछे चेक करते हैं स्पेस, अब यहाँ देख लो मेरे गोड्डे जो टच हो चुके, अब ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ही टच हो रहे, नॉर्मल मतलब थोड़े बहुत भिड़ते हैं, अगर 5 फुट 10 इंच का हो तो वो मतलब कंफर्टेबल बैठ जाएगा। हेडरूम की बात करें तो हेडरूम में कोई कमी नहीं है, ठीक है जी, बेशक ऐसे सीधे हो गए बैठ जाओ तो हेडरूम में कमी नहीं है। अब यहाँ से आप अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं पूरा, ये देखो जी देखने में प्यारा लग रहा है, कोई कमी नहीं है। अब आप डिग्गी देख लो, यहाँ से जो है आराम से कुछ भी सामान रख सकते हैं, 6 फुट की मेरी हाइट है दोबारा बता रहा हूँ, तो यहाँ से ऊपर मेरा सर टच नहीं होगा, मैं कुछ भी आराम से सामान वगैरह डिग्गी में रख सकता हूँ, ठीक है जी। अब हम इसका साउंड सिस्टम और चेक कर लेते हैं, ये देखो जी वाह, अब हम चला कर देख लेते हैं अपनी सेवरले बीट LT डीजल, तो 1 लीटर इंजन के साथ ये आती है, इंजन है काफ़ी स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग वगैरह 5 साल इसको हो गई है तो आज तक कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आई है, ठीक है जी। अब जो स्टेयरिंग है वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, मतलब ये नहीं है कि कोई गैप है इसमें बीच में, ठीक है जी, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है।
कोई दिक्कत नहीं है। और जो एंड्रॉयड स्टीरियो लगा रखा है यहाँ पर भी आपको ये स्पीड शो करता है, आप देख रहे हो जैसे कि, ठीक है जी। ब्रेकिंग वगैरह, अगर ब्रेकिंग की बात करें तो टायर तो इसमें वैसे ही मोटे डलवा रखे हमने, तो उसकी वजह से और भी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन एक जो माइनस पॉइंट है इन टायरों का वो है कि शॉकर कहीं ना कहीं कम काम करते हैं, तो धचकियों में मतलब धचकियाँ लगती है ज़्यादा और आवाज़ आती है वो अलग। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग भी आज भी बिल्कुल लाइट है, इसका कोई हार्डनेस नहीं है। अब जैसे यहाँ मैं मोड़ूंगा तो यहाँ देखिए आराम से मैंने काट दिया स्टेयरिंग, ठीक है जी। और दूसरे गियर में भी है जो उठ जाती है, हमें उठानी तो नहीं चाहिए पर बताने की चीज़ है, तो इंजन में पावर है। दूसरे इंजन में कई गाड़ियाँ जो है घर 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 करने लग जाती है, ठीक है जी।